नमस्ते छात्रों यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका बहुत बहुत स्वागत देखिए छात्रों आज हम इस वीडियो में ऋग्वेदिक काल की आर्थिक दशा के बारे में पढ़ेंगे और ऋग्वेदिक काल क्या था ऋग्वेदिक काल की धार्मिक अवस्था और काल की सामाजिक अवस्था इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है और आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो ऐसे ऋग्वेदिक काल के बारे में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो देखते हैं हम ऋग्वेदिक काल की आर्थिक व्यवस्था तो देखिएगा छात्रों ऋग्वेदिक काल की जो सभ्यता थी वह है ग्रामीण सभ्यता थी और ऋग्वेदिक जो लोग हैं वो कबीलाई समूह में रहते थे और जो कबीलाई समूह है वो गांवों में रहते थे और इनका जो प्रमुख जो धंधा था वह पशुपालन था तो प्रमुख जो धंधा था व्यवसाय था वह पशुपालन था और द्वितीयक या फिर जो गौण व्यवसाय था वह कृषि था ठीक है ना तो देखिएगा ऋग्वेद काल में कृषि व्यवस्था कैसी थी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में तो देखिएगा कृषि पशुपालन उद्योग व्यापार वाणिज्य यातायात के साधन इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो देखिएगा कृषि तो पशुपालन के बाद कृषि ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख उद्यम था खेतों को बैल और हल द्वारा जोतते थे जुती हुई भूमि को उर्वर या क्षेत्र कहते थे हलों को छ आठ और बारह बैलों द्वारा खींचने का भी वर्णन मिलता है ऋग्वेदिक काल के जो लोग हैं वो खाद का प्रयोग करना भी जानते थे नदियों कुओं तालाबों और नहरों के पानी से सिंचाई की जाती थी ऋग्वेद में फसलों को हंसिया से काटकर फिर अन्न को अलग अलग करने का उल्लेख भी मिलता है तो ये तो आप सबको पता है कि भाई ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है ठीक है ना तो ऋग्वेद में फसलों को हंसिया से काटकर फिर अन्न को अलग अलग करने का उल्लेख भी मिलता है फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों पक्षियों आदि का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है साधारणतः कृषि वर्षा के पानी पर निर्भर होती थी अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से फसलें नष्ट हो जाती थी अनेक मंत्रों में देवताओं से वर्षा के लिए प्रार्थना की गई है अब देखिएगा कृषि के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद से ही पता चलता है ऋग्वेद के चतुर्थ प्रथम तथा दसवें मंडल में कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इन तीनों मंडलों में से सबसे पहले चतुर्थ मंडल से कृषि की जानकारी मिलती है तो अब आप आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा होगा आपके दिमाग में कि भाई प्रथम और दसवें मंडल में क्यों नहीं पहले चतुर्थ से कैसे मिली तो देखिएगा जो ऋग्वेद के मंडल हैं उनमें जो प्रथम और दसवां मंडल है वह सबसे बाद में जुड़े थे इसलिए जो चतुर्थ मंडल है इससे हमें कृषि के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है ठीक है ना ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सत्तावनवें सूक्त में चौबीस मंत्र लिखे गए हैं जो कृषि के ऊपर लिखे गए हैं तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से और कौन से सूक्त से कृषि के बारे में पता चलता है वो ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सत्तावनवे सूक्त में चौबीस मंत्र हैं वो कृषि के ऊपर लिखे गए हैं अब देखिएगा कई बार शब्दावली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं देखिएगा प्रमुख शब्दावली कृषि के बारे में वो क्या है उर्वरा तो ऋग्वेदी काल में उर्वरा किसे कहा गया है उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द अनुपचाऊ भूमि के लिए खिल्ले शब्द जुता हुआ खेत के लिए क्षेत्र शब्द लागल हल के लिए आया है हलकी रेखा के लिए सीता नाम या सीता शब्द प्रयोग किया गया है कीवाश हल चलाने वाला अर्थात हलवाहा कौन होता था कीवाश कहलाता था ब्रख बैल गव्य चारागाह भूमि खलियान चारागाह के पास पड़ी खाली भूमि जहां फसल इकट्ठी की जाती थी तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस शब्दावली को आप अच्छे से ढंग से देखिएगा सुनिएगा और पढ़िएगा याद करिएगा ठीक है अब देखिएगा ऋग्वेदी काल में फसल तो केवल एक ही फसल की जानकारी थी वो फसल थी यव अर्थात जो और धान्य फसल तो धान्य वैसे जनरली धान्य चावल के लिए प्रयोग में लिया गया है लेकिन जो ऋग्वेदी काल था उसमें धान्य शब्द अन्न भंडार के लिए या फिर ढेर के लिए धान्य शब्द का प्रयोग किया गया था चावल के लिए नहीं ठीक है ना स्थिवी अन्य कोठार तो जो अन्य के जो कोठार बने हुए थे बड़े बड़े उनको स्थिवी कहा जाता था अब देखिएगा फसलों की सिंचाई तो फसलों की सिंचाई हिग्वेदिक काल में दो तरह से की जाती थी वो कौन कौन से थे स्वेंजा और खलितमा ठीक है ना तो स्वेंजा का मतलब था जो बारिश का पानी आता है खुद अपने आप तो जो बारिश का पानी था उससे जो फसल होती थी वह स्वेंजा कहलाती थी खलितमा खलीतमा का मतलब जैसे कुआ है तालाब है नहर है इनसे जो खेती होती थी वह खलितमा कहलाती थी लेकिन ऋग्वेदिक काल के जो आर्य है उनको नहरों का ज्ञान नहीं था कुओं तथा तालाब से वो लोग सिंचाई करना जानते थे सबसे पहले हल चलाना अश्विनी देवता ने मनु को सिखाया था ठीक है ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो सबसे पहले हल चलाना किसने किसको सिखाया अश्विनी नामक एक देवता है उन्होंने मनु को सिखाया था अब देखिएगा पशुपालन तो पशुपालन एक वैदिक आर्यों का प्रमुख धंधा या व्यवसाय था आर्य समाज में गाय की बड़ी महत्ता थी अनेक ऋचों में गोधन के वृद्धि की प्रार्थना की गई है वास्तव में पशु ही उनके धन धन थे गाय के अलावा वे भेड़ बकरी घोड़े गधे कुत्ते आदि पशुओं को भी पालते थे चारागाह एवं चरवाहा का भी उल्लेख मिलता है पशुओं के कानों में चिन्ह बनाने की भी प्रथा प्रचलित थी और कुतिया का भी उल्लेख मिलता है जिसका नाम क्या था सरामा था अब देखिएगा पशुओं की इम्पोर्टेंस पशुओं का क्या महत्व था यातायात के काम आते थे पशु पशुओं को खाने में भी काम लिया जाता था पशु है वो संपत्ति के साधन थे जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे वो व्यक्ति उतना ही धनी होता था पशु कृषि में भी सहायक थे अब देखिएगा ऋग्वेदिक आर्यों को बाघ के बारे में तथा हाथी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी ऋग्वेदिक आर्यो की जो प्रमुख का जो प्रमुख पशु है वो गाय थी और प्रिय पशु घोड़ा था ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है अघन्या का अर्थ क्या होता है न मारने योग्य ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है ऋग्वेद में गाय के लिए प्रार्थना की गई है गाय के चोर को पणि कहा गया है गाय को माता का दर्जा दिया गया है अब देखिएगा यहाँ पर भी पशु पालन है उसकी उसमें भी कई शब्दावली है शब्द हैं जिनके बारे में पूछ लेते हैं तो गोधुली शाम का समय गवेष्णु तथा गव्य युद्ध गोपथ धनी व्यक्ति के लिए गोपति राजा गोहन अतिथि ठीक है अब देखिएगा ऋग्वेदिक काल के जो आर्य उनका शिल्प उद्योग कैसा था तो ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के ग्रह उद्योगों का वर्णन मिलता है सूत का अतना एवं वस्त्र बनाना ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख उद्योग था ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था में लक्षण या बढ़ई का विशेष महत्व था उन्हें लोहे का ज्ञान था और वे लोहे से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे करमकार या लुहार का भी कालीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था इनके अलावा ऋग्वेद में हिरण्यकार या सुनार चरमकार और कुंभकार का भी सॉरी कुंभार का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक आर्य व्यापार करते थे आंतरिक व्यापार गाड़ियों और नावों द्वारा होता था अब देखिएगा वस्त्र उद्योग तो ऋग्वेदिक आर्य वो कपास की जानकारी ऋग्वेदिक आर्य हैं उनको कपास की जानकारी नहीं थी ऊन के बारे में वो लोग जानते थे कपड़ा बनाने वाला सीरी कहलाता था तथा इसे पेसस्क्री भी कहा जाता था पेसस्क्री और सीरी कौन कहलाता था कपड़ा बनाने वाला करघा करघा क्या होता है करघा होता है कपड़ा बुनने वाला एक यंत्र होता है उसे करघा कहा जाता है इसको ऋग्वेदिक काल में तसर कहा जाता था और जुलाहा तुंतु वाय कहलाता था अब देखिएगा ऋग्वेदी काल में धातु उद्योग तो अयस धातु कर्म का धोतक क्या था अयस सोना हिरण्य कहलाता था तांबा अयस कहलाता था कांसा त्रुतु त्रुतु कहलाता था लोहे व चांदी की जानकारी ऋग्वेदी काल के लोगों को नहीं थी ठीक है ना सोने के बारे में जानते थे तांबा के बारे में जानते थे कांसा के बारे में जानते थे लेकिन लोहा और चांदी के बारे में वो नहीं जानते थे अन्य उद्योग कुंभकार है वह कुलाल कहलाता था बढ़ई है वह तक्षण कहलाता था चरमकार था चिकित्सक था चिकित्सक है वह भीषक कहलाता था और अश्विनी देवता है अश्विनी देवता को भिषक भी कहा गया है व्यापार वाणिज्य तो ऋग्वेदी काल में बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा व्यापार किया जाता था सीमित मात्रा में व्यापार होता था वस्त्र साल खाल चादर का प्रयोग भी किया जाता था व्यापारी को पणी कहा जाता था मवेशियों का चोर भी पणी ही कहलाता था ठीक है ना साधारणतः वस्तु विनिमय का प्रचलन था विनिमय के साधन मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी मुद्रा का कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है और विनिमय के साधन क्या थे गाय तथा घोड़ा लेकिन फिर भी अपवासू स्वरूप निष्क का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था निस्क क्या था एक प्रकार का आभूषण विदेशों से भी व्यापार होता था सामुद्रिक यात्राओं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में ऋण और ब्याज का उल्लेख भी मिलता है अब देखिएगा यातायात के साधन तो ऋग्वेदिक काल में यातायात के साधनों में घोड़ा रथ इक्का गाड़ी इक्का गाड़ी अर्थात बैलगाड़ी ये थे यातायात के साधन अब देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य तो ऋग्वेदी काल की जो आर्थिक दशा उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेना यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था गाय घोड़ा पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु थे तो गाय है वह पवित्र और घोड़ा है वह प्रमुख या प्रिय पशु था बैल भेड़ कुत्ता भी आर्य लोग पालते थे ऊंट तथा आती से भी परिचित थे व्याघ्र अर्थात बाघ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता सबसे महत्वपूर्ण गाय को माना जाता माना जाता था तथा दूसरे स्थान पर घोड़ा था जो उनका प्रिय पशु था कृषि द्वितीय अर्थात गौण पेशा मानी जाती थी ऋग्वेद में कृषि को हीन कर्म बताया गया है पूरे ऋग्वेद में केवल चौबीस श्लोक में ही कृषि का उल्लेख मिलता है तथा 33 बार कृषि शब्द मिलता है ऋग्वेद काल में गेहूं तथा चावल नहीं थे ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख भी तैतीस बार आया है कृषि उत्पादन सीमित था कृषि निर्वाह अर्थव्यवस्था थी और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में सबसे पहली बार कृषि का उल्लेख हुआ है इसके बाद इसके बाद चतुर्थ एवं दसवें मंडल में भी कृषि का उल्लेख हुआ है सॉरी यहाँ पर आएगा प्रथम तो हमने यहाँ चतुर्थ कर दिया है तो सबसे पहले तो चतुर्थ वे मंडल में और उसके बाद आएगा प्रथम और दसवें मंडल में भी कृषि का उल्लेख हुआ है चतुर्थ की जगह आपको प्रथम करना यहाँ पर ठीक है ऋग्वेदिक देवताओं से पशुओं की सुरक्षा हेतु प्रार्थनाएं की गई है ठीक है ना कृषि में लकड़ी के हल फोल जैसे उपकरणों का प्रयोग किया गया था कृत्रिम सिंचाई का भी उल्लेख मिलता है कृषि से संबंधित कई शब्द मिले हैं वो देखिएगा। अव्वल कुआ उल्ला, नहर प्रजन्य बादल सीता हल्की रेखा उर्वर जुता हुआ खेत यव जो जो एकमात्र आर्यों की फसल थी धान्य अनाज कीवाश हलवाहा करीशु खाद तो इन सब के बारे इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा तो आपको ये शब्दावली अच्छे से देखनी है तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने ऋग्वेदी काल की आर्थिक दशा के बारे में पढ़ा आगे हम ऋग्वेदी काल की सामाजिक दशा के बारे में पढ़ेंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद